सुनिएगा। मैं हूं अमित और ये है एक म्यूजिकल प्लेमेट। दोस्तों ये जो है इसकी हमने अनबॉक्सिंग करी थी, रुक जा। और ये जो है एक ऐसा प्लेमेट था कि भैया ये जो एकदम फोल्ड हो जाता है, एकदम फोल्डेबल है। देखो ये जो है ऐसा लगता है कि कपड़े का बना है, पूरा ऐसे घूम जाता है। ये जो पियानो है ये भी इनफैक्ट इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, ये पूरा का पूरा जो कपड़े के जैसा है। लेकिन जब हम इसको बजाते हैं तो एकदम बढ़िया से बजता है। एक बार ये स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ये पियानो की तरह बजता है, देखो ये जो है जैसा मैंने अभी बजाया। इस साइड में ड्रम बजते हैं, यहाँ पर भी हम लोग स्टॉप करके कि आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या काम करता है। अनबॉक्सिंग की पूरी वीडियो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई काफी लोगों ने कहा कि यार ये जो इतने कमाल की चीज है ये भैया कुछ भी बजा देती है। अभी मैंने आपके सामने परदेसी वाली टोन बजा करके दिखाई थी, तो वो भी ये बजा देता है, कुछ भी बजा सकता है इनफैक्ट। तो काफी लोगों ने कहा कि भाई इसके अंदर क्या चीज है, हमको समझ नहीं आया कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये फोल्ड होने के बाद भी एकदम पतला सा है। अबे रुक जा यार, अबे ठीक है, ये होने के बाद भी ये इसको बजा पा रहा है, इसके अंदर का राज हमें दिखाओ। तो भाई उसके लिए इसको हमको काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको काट के खोल के आज आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार इस प्लेमेट के अंदर है क्या जो कि इस तरीके से इसको काम करवा रहा है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों ये जो म्यूजिकल प्लेमेट है मुझे तो बड़ा ही कमाल का लगा। और आप अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इस साइड में इसमें पियानो है, इस साइड में ड्रम है, और इस पियानो में हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। इसमें पियानो है, इसमें गिटार बजा सकते हैं, इसमें सैक्सोफोन बजा सकते हैं, ये पुंगी वुंगी तीन चार और चीजें हैं जो सारी हम इसके अंदर बजा सकते हैं। इसके अंदर इसके कुछ टोन्स भी हैं वो भी हम बजा सकते हैं, चाहें तो इसके अंदर अपनी जो बजाई चीज़ें उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको वापस से प्लेबैक भी कर सकते हैं। इससे हम कोई बड़े स्पीकर वगैरह में कोई एम्पलीफायर में लगा के उसको जोर से भी बजा सकते हैं, यानी कि बाहर। इसमें जो है एक ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, ये रहा देखो, ये हमने जो है पहले नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर इसमें ऑडियो जैक भी है, वॉल्यूम अप डाउन भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं जरा सा आपको पियानो दिखाना चाहूंगा क्योंकि मेरा जो सबसे फेवरेट है वो पियानो ही रहा है। यहाँ दबा के ये देखो पियानो है, गिटार पे करता हूँ तो ये जो है गिटार काम कर रहा है, सैक्सोफोन बजाता हूँ तो अब जो है सैक्सोफोन काम कर रहा है। तो अब इसको सीधा आता है खोलने पर और देखता है कि अंदर क्या है। तो उसके लिए एक पेपर कटर का यूज करेंगे। तो भाई साहब यहां से इसको खोल रहे हैं और पेपर कटर से यार ये एकदम बटर स्मूथ कितना आसानी से कट गया है। अबे रुक जा, काम अभी भी कर रहा है। तो भाई साहब आपके सामने आने वाला है इस प्लेमेट के अंदर का राज, और मेरे भी सामने आने वाला है। अबे मत बच भाई, बस 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 बंद 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 बंद। इतना काटने पर इसके अंदर देखो ये ऐसे पैड्स हैं जैसे जो ड्रम बने हुए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 पैड्स हैं, 1 2 3 4 5। देखो अगर ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहे तो मैं इसको थोड़ा सा और खोल देता हूँ, और यार अंदर जो है अब आप लोग देख सकते हो कि अंदर क्या चीज दिख रही है। 1 2 3 4 5, और ऑन करके भी दिखा देते हैं आपको। ये लो ना, बंद कहां से होगा, स्टॉप का बटन कट गया। देखो अब इसके ऊपर जब मैं टच करूंगा, देखो, और ये जो पूरा का पूरा पैड है, ये पूरा जो एरिया है, इस पे कहीं भी हम लोग टच करें पूरा का पूरा जो है यहां पर ये काम करता है। देखना इस पे यहां करूं बजेगा, यहां करूं बजेगा, यहां भी बजेगा, यहां भी बजेगा। तो अब इसको ऐसे काटते हैं पूरे को। तो भाई ये जो पूरा का पूरा इसका एरिया है, मैं इसको काट रहा हूँ बड़े ही बेदर्दी से बिना ध्यान दिए, क्योंकि ये चीज़ ख़राब तो हो ही जाने वाली है तो कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर आप लोग देखो कि पूरा पैटर्न हमको दिख रहा है, लेकिन भाई
ये चीज इसके ऊपर और है, और इसको हटाने के बाद में अब आपके सामने इस प्ले मैट का पूरा जो राज है वो आ चुका है। और आप लोग देखो कि इस प्ले मैट के अंदर ये था, एक लेयर इसकी थी, उसके नीचे वो लेयर फोम की थी, उसके नीचे एक पॉलिथीन की लेयर है, और उसके ऊपर ये ब्लैक सी चीजें बनी हुई हैं बहुत सारी। ये जो है बटन्स है एक एक करके, तो इसको भी काट करके देखते हैं बढ़िया से कि ये क्या है। और भाई ये पन्नी ही जो है इसका सारा का सारा राज है। लेकिन यार एक बात बताओ, आखिरकार इस इतनी पतली सी पन्नी के अंदर इन्होंने ये कुछ प्रिंट कर रखा है, इसमें वायर्स वगैरह कहाँ हैं जो कि सिग्नल लेकर के जाती हैं? भाई साहब इसमें जो कुछ है वो ये पन्नी है, और आप लोग देखो कि इसके ऊपर कोई वायर्स कुछ नहीं है। अब इसके अंदर मुझे लगता है बहुत ही बारीक कंडक्टर्स लगे होंगे। अब आई डोंट नो कि वो कैसे इसके अंदर से सिग्नल को लेकर के जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन जैसे भी करके लेके तो जाते ही होंगे। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो लेयर्स है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। देखना मतलब अलग अलग चीज़ों की लेयर्स है। देखो ये एकदम जो मैट जो हमारा नेट होता है ना, वो नेट है ये, इस प्ले मैट के अंदर ये नेट निकला है। नेट को भी काट लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखा पाए, ऐसे बढ़िया से हटेगा ये। कौन तो काटे यार, प्यारा सा प्ले मैट, लेकिन आपको इसके अंदर की चीज़ दिखाने के लिए क्या हालत इसकी करनी पड़ गई। ये इस तरीके का नेट है, एकदम बारीक सा, एकदम पतला सा, और काफ़ी मोटे इसमें छेद है। और उसके नीचे एक और पन्नी है, ये भी पन्नी है या फिर ये पेपर है? यार ये पन्नी है, और इसके अंदर एक और फोम की लेयर है, तो इसको भी काट लेते हैं। अब आप लोग जो है देख सकते हो कि नीचे भी एक वैसी ही और पन्नी निकली, एक ये रही और एक ये रही, ये दो हैं। इसके ऊपर भी वैसा ही कुछ प्रिंटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा पैटर्न नहीं है, पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। इसके ऊपर देखो जहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ वहाँ ये पैटर्न बना हुआ, और मुझे लगता है कि ये सेंसर का काम करता है बेसिकली। जब हम इन दोनों को पास में लाते हैं यानी कि जब हम प्रेस करते हैं तो शायद एकदम क्लोज आ जाता है, और उस क्लोज आने की वजह से कहीं ना कहीं जो सिग्नल है वो ट्रिगर हो जाता है, और उसको पता लग जाता है कि भाई मैं ये वाला बटन दबा रहा हूँ, और वही साउंड बच जाता है। इस ECU की मदद से, हम इसको ECU कह सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट जो भी है, सब कुछ इसके अंदर होता है। इसको भी खोलेंगे ठीक है। और इसके नीचे जो है ये फोम है, और वापस से ये मैट का ये वाला निचला हिस्सा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब इसको एक बार फिर से चालू किया जाए और देखा जाए कि क्या ये अभी भी काम करेगा। बीच का फोम तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ऑन करते हैं। ये तो बज रहा है एकदम बढ़िया, ड्रम से ट्राई करेंगे। ओए गाइस ड्रम बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन उसका रीजन ये हो सकता है कि हमने अंदर की अरे यार इसके अंदर की फोम भी हटा दी, फिर भी बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पियानो की बात है, अब बज गया। बस 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 गाइस चाहे जो बज रहा है, सही नहीं बज रहा ये। अबे रुक जा यार, कहां से पकड़ू। गाइस नहीं, ये जो है अपने आप ही जो है ट्रिगर किए जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मैट जो हमने, ये जो नेट हमने काट दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। देखना, नहीं यार वो ऐसे बजना चाहिए था, बट ये ना गाइस ये अच्छे से काम करना है। अरे ऊपर कैसा कर रहा है ये, काम कर रहा है, नीचे का नहीं कर रहा, नीचे का हिस्सा खराब हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो नेट है ना आगे तक पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि भाई हमने इसको काट दिया है। तो यहाँ पर है सब में की बज रहा है, नहीं चलो काम करते हैं अपना, वही परदेसी बजा करके देखते हैं, और देखते हैं कि ये बज रहा है या नहीं। बीच का बटन काम नहीं कर रहा यार, इनकी मदद से बजाने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई यार, अपने आप बज रहा है सब कुछ। वाह
मतलब उतना अच्छे से तो नहीं बजा, लेकिन बजा जरूर है, क्योंकि ये वाला यूज करना था उसकी जगह मैंने गलत वाला यूज किया, बट फिर भी स्टिल आप लोग देख सकते हो ये वाला। इसके अंदर क्या है, इस डब्बे को भी जरा खोलते हैं। और यार अब मैं ज्यादा यहां पर कुछ नहीं करने वाला, मैं इसको सीधा ओए उंगली बज गई। अरे यार मुझे लगा ये उखड़ जाएगा, लेकिन भाई साहब ये उखड़ा नहीं है। क्या है इसमें नीचे यार, ऐसा जो इससे उखड़ा नहीं, इसके नीचे कुछ है क्या? आहा, इसके अंदर स्क्रूज हैं, ये खोलने पड़ेंगे तब जाके ये जो है इसमें से हटेगा। तो भाई इसके चारों स्क्रूज आ चुके हैं, और अब ये जो पीछे का पैनल है ये हट जाना चाहिए। है हटा क्यों नहीं, इसमें एक स्क्रू और है, लेकिन मुझे लगता है तो बैटरीज के लिए है। चलो जो भी है, अब हट जा भाई। ओए 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 ओए, अबे ये सारी चीज़ें आके इसमें जुड़ रही हैं, और अच्छा हुआ मैंने इसको ज़ोर से नहीं खींचा, नहीं तो ये फट जाता। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखो देखो वो जो वायर्स इसमें से आ रहे थे ना बहुत सारे, वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये भाई साहब ये आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, बट ये जो सिग्नल्स को लेके आ रहे हैं ये वायर ही है, हम इसको वायर बोल सकते हैं क्योंकि इसमें से करंट आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं इसको काट ही लेते हैं, क्योंकि इसको बाहर निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब हम इस साइड से इसको हटा सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल। तो भाई साहब इसके अंदर से ये निकला है, तो इसको तो रख देते हैं साइड में, इन सबको हटाते हैं और इस पे आते हैं। ये जो है एक बॉक्स है, इसके अंदर दो स्पीकर है, एक यहाँ पर बड़ी चिप है और एक यहाँ पर छोटी चिप है। तो एक काम करते हैं इसको भी ज़रा इसमें से हटाते हैं और इसको पूरा देखते हैं कि अंदर क्या है। तो भाई साहब अब इसकी सारी की सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर आ चुकी हैं, और ये दो बड़े स्पीकर्स हैं यार, इन्हीं की वजह से इतना तेज़ बजता था, इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। अब तो मुझे नहीं लगता ये कुछ लायक होगा, या हो सकता है ये अभी भी काम करे, एक स्पीकर का तार हट चुका है। चलो ये चीज़ भी देखते हैं कि क्या अब इसमें कुछ भी बजेगा, वो शुरू में टाना ना 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 वो बजेगा या नहीं बजेगा। मुझे उम्मीदें तो नहीं हैं, लेकिन अगर बजा तो आ जाएगा मज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑन, अरे यार शिट शिट, ये ऑन कहाँ से होता है भैया? ये ऑन होता है यहाँ पर, इसका स्विच है ये रहा। ओए गाइस बज गया, बज गया, लेकिन अब और कुछ बजाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये एक तो बज गया देखो, लेकिन अब हम और कुछ इसमें बजा नहीं सकते, क्योंकि भाई ये जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क था वो हम लोगों ने तोड़ दिया है। जरा इनको एक बार टच करने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इस प्लेमेट के अंदर क्या है, और आपको मजा भी आया होगा ये सब जान करके। प्लेमेट कुर्बान हुआ इस वीडियो के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भैया आप लोग अभी फर्ज बनता है वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबाएं, चैनल को करो सब्सक्राइब ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।